अच्छा हमें ये बताओ कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया था तुम उस वक्त निजात के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी, जरा बताओ। देखो 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 कैसे नजरें फेर रही है हमसे सानिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग फिर से वही बातें लेकर क्यों बैठ गई हो। तो तुम्हारा मतलब है तुम निजात साहब के साथ थी और तुम दोनों के दरमियान सिर्फ बातें हुई? हाँ बिल्कुल। फिर भी एक बार सोच जरूर लेना, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं ले जाऊंगा। वो वैसे भी मुझे देखना नहीं चाहती और आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं वहां। मेरी बात छोड़ो बेटा, वो यकीनन तुमसे मिलना चाहती होगी। ठीक है। आयलन ने आपके पार्टनर्स के साथ इख्तिलाफ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था, और पार्टनर से मुराद कहीं निजात साहब की तरफ तो इशारा नहीं। निजात की कंपनी छोड़कर जाने के लिए हम सब रजामंद थे ना। क्या मेरी बेटी अपने शौहर को कंपनी से निकालना चाहती है? साहब का शौहर, उनकी तलाक जो हो गई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तलाक हो गई है आयलन? ये बात आपको कैसे पता चली? मैं तो समझी थी निजात को दिवालिया से बचाने के लिए हमने कंपनी खरीदी होगी, मगर ये नहीं बताया था कि तलाक के बाद ऐसा हो रहा है। आपको पता कहाँ से चला? किसने बताया आपको? हांदे ने बताया है। हांदे ने? क्या वो लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है? आइंदा आप हांदे से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगी, समझ गई आप?